सब ओल छिल रहा था, अगर यही लकीर खींच दिए तब। सब चीज भोजपुरी से हड़प लिए, देना कुछ नहीं है। यहाँ आपसी में नंबर वन खींचा दानी, पैर खींचो, टांग खींचो, सबको पटक दो। नया नया भेंट कर ली, हकर हकर पेट कर ली, कहावत है ना। पहुंच गया 2000-5000 में, लेके आइए सामने। आप लोगों से ज्यादा सम्मान दिलाती हूँ बाहर भोजपुरी को। कौन गया 2000-5000 में गाने? भोजपुरी से कमाए, भोजपुरी से घर बनाए, भोजपुरी से गाड़ी बना लिए, आप लोग भोजपुरी को क्या योगदान दिए? अच्छा, आपने पानी पानी किया था खेसारी लाल के साथ, अब भोजपुरी के जो एक्टर है उन्होंने पानी पानी कर दिया है सबको, तो आपने खेसारी के साथ भी मूवी की है, गाना किया है, पवन सिंह के साथ आपका पुराना ताल्लुकात रहा है, क्या लगता है कौन सही है? कौन सही, क्योंकि दोनों को आप पर्सनली जानते हैं। मैं जज थोड़ी बैठी हूँ यहाँ पे कि कौन सही है कौन गलत है, मैं बहुत न्यायालय थोड़े हूँ कि मैं इस पे कुछ टिप्पणी करूंगी। कौन सही है कौन गलत है ये नहीं कहना चाहती, बस हाँ किसी भी कलाकार का इस तरीके का कहना जायज नहीं है। जो भी पहले के जो कलाकार थे उनमें इस तरह का कंट्रोवर्सी नहीं हो रहा था। आपने कहा मैम कि अब जो स्टार है उनका उनको स्टारडम पछता नहीं है। स्टार्डम पछता नहीं है, नया नया भेंट कर ली, हकर हकर पेट कर ली, कहावत है ना कि स्टार्डम पचा नहीं पा रहे। स्टार क्या होता है? स्टार ये नहीं होता है कि यार मैं एकदम भगवान हो गया, ऐसे बोलने से नहीं होता है। लोग जितने चौड़े में बोलते हैं ना, पटर पटर नहीं। अच्छा, क्या ये चीज मानती है स्टार्डम पचाना सीखना है तो बड़े बड़े स्टारों से सीखिए, उसके बाद जाके अपने आप को स्टार बोलिएगा। अक्षरा जी, क्या ये मानती है कि पवन सिंह ने जो लकीर खींची उसी पे सब लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि हमने जो लकीर खींच दी सब उसी पे रहेंगे? तो भरत शर्मा जी क्या कर रहे थे, स्वर कोकिला शारदा जी क्या कर रही थी, सचिन जी, कुणाल जी, ये लोग क्या कर रहे थे? उसके बाद के आने वाले रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, ये लोग क्या कर रहे थे? सब ओल छिल रहा था, अगर यही लकीर खींच दिए तब। उन्होंने कहा कि 2000-5000 रुपए के लिए सब दूसरे भाषा में जाके करते हैं, हमने सबको यहाँ लाया 2000-5000 में। हाँ, उन्होंने कहा ना, आपने सुना नहीं है। कौन गया 2000-5000 में, लेके आइए सामने। आप लोगों से ज्यादा सम्मान दिलाती हूँ बाहर भोजपुरी को। कौन गया 2000-5000 में गाने उन्होंने और काम करने? उन्होंने कहा कि इन लोगों का क्या था, पहली बार हिंदी को कौन लेकर आया भोजपुरी में? कौन हिंदी को ला दिए तो बहुत बड़ा एहसान कर दिए भोजपुरी के लिए। भोजपुरी से कमाए, भोजपुरी से घर बनाए, भोजपुरी से गाड़ी बना लिए, आप लोग भोजपुरी को क्या योगदान दिए? आप लोग भोजपुरी को योगदान क्या दिए? सब चीज भोजपुरी से हड़प लिए, देना कुछ नहीं है। अगर आप लेके आए कलाकार तो आपने एहसान किया भोजपुरी पे कि भोजपुरी का नाम बड़ा किया, तो उस चीज का वो गिनवाना है आपको। बजा भी तो भोजपुरी की रहा है, बजा भी तो भोजपुरी की। कौन से प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं मुझे बता दीजिए, एक दो प्रोड्यूसर का जो कमा के बैठ चुके हैं, सिनेमा हॉल से दर्शक भाग चुके हैं। आप दर्शक लेके आइए ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लकीर खींच दिया हो, गाना मिलियन में चल गया तो ये हो गया, ये सब बहुत छोटी बात है यार, बहुत छोटी बात है। सबको TRP चाहिए होता है तो उन्हीं का नाम लेते हैं। किनको TRP? जिनको भी TRP चाहिए होता है। बाबू मतलब कौन है वो भैया, तो आप अच्छे से बताइए। आप बताइए। मैं क्या बताऊँ, मतलब और कोई इंडस्ट्री में है ही नहीं क्या? जिनका जिनका नाम आश्रय जी आपके लिए है, और कोई इंडस्ट्री में है ही नहीं। इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बड़ा नाम है, कौन TRP की बात कर रहे हैं? वो TRP जिसका नाम कोई लेना भी नहीं चाहता है। अच्छा, कौन सी TRP उसको बोलते हैं जो अपने वजूद पे कायम रहता है। TRP वो होता है जो आके स्टेज पे भचर भचर नहीं करता है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है, काम करता है, काम करके इंडस्ट्री को सम्मिलित रूप से। आप सीनियर एक्टर हैं, सीनियर कलाकार हैं, सीनियर सिंगर हैं, आप एकत्रित होके बजाय ये करने की कि मेरे खेमा में जो है वो दूसरे में काम नहीं करे, बजाय इसके आप सबको बैठाते, सारे कलाकार को बैठा के आप इंडस्ट्री को ग्रो कराते, तो मैं मानती कि अक्षरा, लास्ट सवाल आप खेसारी लाल यादव और इस प्रकरण में क्या, थोड़ा सा एकदम मुंह में ऐसे बात करिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए पूछ लिया जाए। हाँ पूछिए। तो आपने दोनों के साथ काम किया, ठीक है, दोनों के साथ आपका नाम भी आया, अब क्या लगता है कि नंबर वन की रेस में जो ये लड़ाई हो रही है, क्या लोगों को नंबर वन के लिए जाना चाहिए? नंबर वन भोजपुरी को बनाइए ना, जैसे अदर इंडस्ट्री कर रही है,
वो लोग नंबर वन नहीं करते हैं, वो लोग अपनी इंडस्ट्री को नंबर वन बनाते हैं, समझे। जहां एक किसी का गाना आता है लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यहाँ आपसी में नंबर वन खींचा तानी, पैर खींचो टांग खींचो सबको पटक दो, हम है ये स्टार तो हम है वो। तो आप ये नहीं मानते कि पवन ने भोजपुरी को आगे ले गए, पवन सिंह नाम दिलाया, पहचान दिलाया? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि किसी ने पहचान नहीं दिलाया, डेफिनेटली हर किसी ने मेहनत की है, हर किसी ने नाम बनाया है। मैं कह रही हूँ, इस बात को मैं मानती हूँ कि सब ने अलग अलग पहचान बनाई है, लेकिन अगर आपने पहचान बनाई है तो आपको बोलने की जरूरत है बॉस, आपको और ज्यादा इंडस्ट्री को ग्रो करना है ना, कि अपने आप को भगवान बताना है। लास्ट 15 सेकंड, दोनों में एक से दोनों में आप किसके साथ खड़ी हैं? आप किसके साथ खड़े हैं? हम बताएंगे ना ऑफ कैमरा, आप एक्ट्रेस हैं, आप किसके साथ खड़ी है? एक तरफ खेसारी लाल यादव, और होता है ना कि भाई मेरा दोनों में से पसंद, हमने लोगों से बात। अच्छा एक सवाल और, सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.